गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी हैं। बच्चों, ओपन पेज नंबर 55, पाठ 8, भविष्यवाणी का बुक वर्क अभ्यास कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम। देखिए इसमें है, किसान हल से क्या कर रहा था। ये स्पीकिंग स्किल आपको बोलना आना चाहिए। किसान हल से क्या कर रहा था? खेतों की जुताई कर रहा था। बादलों ने आपस में क्या विचार किया? उन्होंने ये विचार किया कि हम भी बरसेंगे। बारिश होने के बाद क्या हुआ? बारिश होने के बाद हरियाली आ गई। उसके बाद देखिए, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी? कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक पंडितों ने यह भविष्यवाणी की थी ना, 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। आपने अच्छे से अगर लेसन रीड किया है तो आई होप आप मेरे साथ साथ फटाफट जवाब दे रहे होंगे। बादलों ने क्या देखा? किसान को हल चलाते हुए। उसके बाद है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। किसान ने भविष्यवाणी की, गलत, नहीं। क्या लिखेंगे हम? नहीं। किसान ने नहीं की थी, किसने की थी भविष्यवाणी? पंडितों ने। बादल किसान को काम करते देखते रहे। ये बात सही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? हाँ। बादलों ने आपस में विचार किया, ये भी बात सही है, तो क्या लिखेंगे? हाँ। देखिए, हाँ इधर लिखा हुआ है ना, वैसे का वैसे हमने यहाँ लिखना है। चारों तरफ हरियाली छा गई। हाँ, जब बादल बरसे तो क्या हुआ था? हरियाली छा गई थी ना। प्रश्न 1, भाषा ज्ञान का। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, उल्टे अर्थ। अब प्रश्न का उल्टा उत्तर, प्रश्न का उत्तर। उत्तर कैसे लिखेंगे? उ आधा त फिर पूरा त र, उत्तर। पास दूर, उल्टे अर्थ वाले बताने हमने। दूर, द द को की मात्रा, र दूर। काला गोरा, ग ग को की मात्रा, र आ गोरा। बूढ़ा जवान, ज व को आ की मात्रा, न जवान। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। डैश खेत में पहुंच गया, हम खेत में पहुंच गया, वह खेत में पहुंच गया। कौन सा सही है? वह। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वह। डैश आपस में बात करते रहे, मैं आपस में बात करते रहे, ये गलत है ना, तो ये क्या है? सही, वे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वे। डैश ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो, उसे ठीक कहते हो, ये बात, ये सही नहीं लग रहा ना। क्या आएगा सही शब्द? तुम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तुम। बादल डैश बात सुनकर चुप रहा, बादल उसकी बात सुनकर चुप रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उसकी। डैश अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नामों को पढ़िए। ये कौन है? किसान। किसान क्या है? एक व्यक्ति होता है ना किसान, किसान एक व्यक्ति है। कुर्सी, कुर्सी वस्तु है। ये है विद्यालय, आपके विद्यालय का क्या नाम है? द विजडम स्कूल। आपका विद्यालय भी ऐसे है ना, सुंदर सुंदर। तो ये क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? एक स्थान का नाम है, ठीक है। किसान व्यक्ति का नाम है, कुर्सी वस्तु का नाम, विद्यालय स्थान का नाम। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, नाम वाले शब्द जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसान, कुर्सी, विद्यालय, ये नाम वाले शब्द हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए, जो नाम है। एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी और पंडितों, ये रेखांकित किया है, ये नाम वाले शब्द हैं। ये
भाव है। एक किसान था, इसमें नाम वाला शब्द क्या है? किसान। वह खेत में हल चलाता रहा। अब खेत भी एक नाम है, हल भी एक नाम है। आसमान में बादल छा गए, ये भी नाम है, ये भी नाम है, तो हम इसको रेखांकित करेंगे। नदी नालों में बाढ़ आ गई, ये भी, ये भी, ये भी। चारों तरफ हरियाली छा गई, हरियाली। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? प्रश्न पूछा ना, तो फसल कैसे होगी जब बारिश नहीं होगी? यहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं ना, जब बारिश नहीं होगी, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो फसल कैसे उगेगी? तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे, घने काले, तो घने काले के बीच में गुजर रहे थे। बात खत्म हो गई है, पूर्ण विराम। नदी नालों में बाढ़ आ गई, नदी नालों, तो इसमें योजक चिन्ह, बाढ़ आ गई, पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम। भाइयों, ये बात यहाँ थोड़ा हम रुक रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? अल्प विराम। किसान का कहना ठीक है, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देश में अगले 5 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा। उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही सारा बुक वर्क कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। ओके, तो ये देखिए, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 औजारों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। आप चित्र चिपका सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ये आपने ये खुद करना है। उनको चिपका के या ड्रॉ करके, उसके बाद उन जो जो चीज का चित्र लगाएंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, टेक केयर बेटा।